कनाडा में कार हादसे में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का मौत हो गई थी, जिसमें उनके पार्थिव शरीर को अब दिल्ली लाया गया है और दिल्ली में उनका पार्थिव शरीर निरंकारी ग्राउंड में 8 बजे तक रखा गया है और 8 बजे निरंकारी बाबा अंतिम शव यात्रा निकाली, जिसमें 12 बजे नगर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। बाबा हरदेव सिंह के साथ उनके दामाद का भी कार हादसे में निधन हो गया था। दिल्ली में शव आने के बाद समाता अली अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल, जो संत निरंकारी हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो इस वक्त जो यहाँ निरंकारी के धर्मशाला बना हुआ है वो यहाँ पर आ चुका है और आप देख सकते हैं हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पे उनके भक्त, उनके चाहने वाले यहाँ पे उनके आखिरी यात्रा, जो आखिरी जो उनका पार्थिव शरीर है उसका इंतज़ार कर रहे हैं और जनता के साथ साथ पूरी तरीके से जो यहाँ के सेवादार हैं वो भी उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर इसी में मौजूद है और जिसकी बिना पे सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके पार्थिव शरीर को आखिरी यात्रा करते हुए देख रहे हैं। इनका बाबा श्री हरदेव सिंह जी का आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर है ये, जिस तरीके से आप देख रहे हैं साफ तौर पे बाबा की आखिरी यात्रा को देख लें, जिस तरीके से उनका पार्थिव शरीर कनाडा से दिल्ली में आया है और वो इस आश्रम में रखा जाएगा। पार्थिव शरीर यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं तू ही निरंकार, जिस तरीके से उनके विचार थे उनकी जो बातें उनको याद की जा रही हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो बाबा हरदेव सिंह जी और जो उनके साथ कार में उस वक्त कनाडा में मौजूद थे, उन दोनों का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लोग आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, आखिरी दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब ये दोनों ही शरीर यहाँ 8 नंबर ग्राउंड में रखे गए हैं और यहाँ ये दिन रात ये अंतिम दर्शन का सिलसिला चलेगा और ये बुधवार सुबह तक चलेगा। बुधवार को सुबह 8 बजे यहीं से अंतिम यात्रा शुरू होगी और निगम बोध घाट तक जाएगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ ये पास।